शरणम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि। हरे रामा, क्या हुआ? वो तो बड़ा बोल रही थी ना कि आप लंदन जाएंगे तो मैं आपको खाना बनाकर दूंगी और आप और वैभव देव जी मिलकर खाइएगा। कभी ऐसा हो कि आप लंदन पढ़ने जाए और आपको मैं ऐसे ही डिब्बे में रोटियां बांध कर दूं और आप वहां लंदन में जाकर आप और वही मुझे दोनों मिलकर खाए। क्या हुआ, तेरा सपना टूट गया? बुद्धम शरणम गच्छामि। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मजाक मत बनाइए। कम से कम किसी के मौत का तो जश्न नहीं मनाना चाहिए। मैं मनाऊंगी, बल्कि बहुत अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे वैभव देव के जीने से मरने से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुश तो इसलिए हो रही हूँ कि तू जो हवा में उड़ रही थी ना, अब जमीन पर गिर चुकी है। और सच कहो तो तुझे खुद से नीचे देख के मुझे हमेशा से बहुत सुकून मिलता है। लक्ष्मी, क्यों सुना रही हो बेचारी को? तुम भी ना, मौका मिला नहीं कि रमा को सुनाना शुरू कर देती हो। देख नहीं रही हो कितने दुखी है बेचारे? और प्रचंड देव जी ने भी तो अपना भाई खोया है, ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठेंगे वो, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। भीमराव, हमारे भाई वैभव ने हमसे आधा हिस्सा मांगा था ताकि वो तुझे अपने साथ लंदन ले जा सके। ये घर में जितनी नकदी थी ना, उसका आधा हिस्सा लेकर आए हैं हम। हम वैभव का ये हिस्सा तुझे दे रहे हैं भीमराव। रख लो, आओ ले लो इसे। यह हमारे वैभव की अंतिम इच्छा थी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ले लो। कहो इससे कि ये ले ले, हमारे वैभव के लिए ले ले।
इसे इसे समझाओ कि ये पैसे ले ले ये। भीमराव ले लो ये पैसे, मान जाओ हमारी बात। हो सकता है इससे वैभव की आत्मा को थोड़ी शांति मिले। तू तो भीमराव का बाप है ना, तो तू बोलना। तू इसका गुरु है, तो अपने प्रिय शिष्य को बोल के कि ये पैसे उठा ले और हमारे हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये पैसे ले ले और इस पैसे से लंदन जाकर पढ़ाई करे। भीम, वैभव की अंतिम इच्छा मान लो। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रख। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। हम अपने भाई वैभव के हिस्से को तेरे सामने ऐसे ही जलाते रहेंगे ताकि तुझे तेरी औकात पता चलती रहे। तेरा सपना है ना लंदन जाके पढ़ने का, हम देखते हैं कि तू यहां बंबई में भी कैसे पढ़ता है। राम जी, मैं तो ये कहता हूं कि आज सही समय है इस भीमराव को उसकी असल जगह समझाने की, नहीं तो ये ऐसे ही बड़े बड़े सपने देखता रहेगा और ऐसे किसी न किसी का नुकसान करता रहेगा। और सच कहा है ना, तो ये भीम के उल जलूल सपना की कीमत वैभव देव का अपन जान दई के चुकावे का पड़ी है। वैभव ने जाते जाते मेरे अंदर संकल्प का बीज डाला है, पढ़ाई करने का, और ज्यादा पढ़ाई करने का। मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा। और आज आप सबसे मैं कह रहा हूं, मैं इतना पढ़ूंगा एक दिन मैं सच में लंदन में जाकर भी पढ़ूंगा। और प्रचंड देव जी, आप इस भीमराव की जान ले सकते हैं,
लेकिन इस भीमराव को पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, रंजन, भीम ने कहा था कि वो पढ़ने के लिए लंदन चला जाएगा, लेकिन लंदन जाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं राम जी, कि अपना भीम है, भीम राव अंबेडकर, लंदन जाने की बात उसने ऐसे हवा में तो नहीं सोची होगी। चाहे ये बात सोचते समय उसकी भावना कुछ भी रही हो, यदि उसने लंदन जाने के बारे में सोचा है ना, तो जाएगा भी, जरूर जाएगा। मैं भी वही चाहती हूं। भैया, मैं भी वही चाहती हूँ कि भीम जाए लंदन, और देखना वो जरूर जाएगा। हाँ मेरा, जरूर जाएगा, लेकिन मेरा लंदन जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भीम ने ठान लिया है तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा, आप चिंता मत कीजिए। देखो ना मेरा, प्रचंड देव ने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, बड़े जालिम लोग हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं लोगों को कब समझ आएगा, किस दुनिया में सिर्फ दो तरह की जात होती है, एक मानवता और दूसरी अमानवता। अगर पूरे संसार को केवल इन दो जातियों में बांट दिया जाए और फिर मानवता अपनी जात के लिए कट्टर हो, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी ना, शांत लगेगी। कितनी शांति मिल रही है ना आज, आज जाग के सुकून मिला है हमें। दोनों के दोनों हवा में महल बांध रहे थे, औकात भूल गए थे अपने। हमारी औकात महलों की नहीं है, झोपड़ी की है। तुम खाओ, खाना खाओ। लेकिन नहीं, भीमराव ने कहा है कि वो लंदन जाके पढ़ाई करेंगे। कहने से क्या होता, कल उठकर मैं कहूंगी मैं लंदन जाऊंगी, संभव है क्या? वो तो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और वैसे भी तुमने सुना नहीं प्रचंड देव जी ने क्या कहा, कि वो यहाँ बंबई में पढ़कर दिखा दे, वो भी संभव नहीं है। तुम तो बस मजे लो लक्ष्मी, कल से नया तमाशा शुरू होने वाला है। तुम तो खाना खाओ और सुकून की नींद सो जाओ। सब्जी अच्छी बनी है। अगर आप चाहते तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। क्या? हम दोनों में से सिर्फ एक ही भाई स्कूल आएगा, मगर आप भीम को स्कूल आने से मत रोकिए। आनंद, पढ़ाई पे ध्यान देना और साथ में भीमा का भी ध्यान रखना। भीम, अब तुझे और ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, और तेरा भाई हमेशा की तरह डट कर तेरे साथ खड़ा रहेगा, और चाहे
जान ही क्यों ना देनी पड़े मुझे अपनी। भीम अब तू पढ़ बस, और जल्दी से जल्दी लंदन जा ताकि तू उच्च स्तरीय शिक्षा ले सके और दिखा सके इन चौल के लोगों को, उस प्रचंड देव को और सारी दुनिया को कि मेरा भाई कौन है, कौन है भीमराव अंबेडकर। तेरी सोच और तेरी शिक्षा एक दिन हमारे लोगों को उनका हक और बराबरी दिलाएगी इस दुनिया में, क्योंकि तेरी पढ़ाई का उद्देश्य हम सबसे ऊपर है। वैभव, तुम लंदन से बंबई आए, मेरी जिंदगी में आए और मेरे दोस्त बन गए। दोस्त हो मेरे, और ये सब अभी यहां आके रुक गया है कि मैं लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। मेरे मन में विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा तुमने डाली वैभव। भीम को लंदन जाकर पढ़ना चाहिए। लंदन में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे कोई भी तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहां पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रख, तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूंगा। लेकिन इस सफर में अगर तुम मेरे साथ रहते तो तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए था वैभव, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खाना खा लीजिए। भूख नहीं है रमा, मैं जानती हूं आपको भूख नहीं होगी, मुझे भी भूख नहीं है। ना ही एक वाला आपसे खाया जाएगा और ना ही मुझसे। कल आपकी परीक्षा है, अब ऐसे ही भूखे रहेंगे तो कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए खा लीजिए ना। देखो ना रमा, क्या लिख के गया ये वैभव। वैसे तो लोग हमारे पास नहीं आना चाहते हैं, दूर भाग जाते हैं हमसे, लेकिन ये वैभव लिख के गया है कि अगले हर जन्म में ये हमारी जात में पैदा होना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा है रमा, किस मिट्टी का था ये वैभव। मत रोइए, वैभव जी का सपना था ना कि आप लंदन जाकर पढ़ाई करें, तो आप अच्छे से पढ़िए और उनका सपना पूरा कीजिए।